हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शरीर रचना एवं दैहिक लिंगी अंतर, यानी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस, यानी पुरुष और महिला दोनों के शरीर की बनावट एंड मेंटल के रूप से रचना की दृष्टि से दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस पॉइंट से एकदम केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही इसमें ऐड किया गया है जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि पुरुष और महिला में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रूप से, यानी शरीर रचना एवं क्रिया, यानी दैहिक लिंगी रूप से कैसे अंतर पाया जाता है, तो फिजिकल एजुकेशन के किसी भी एग्जाम में इससे कुछ न कुछ पॉइंट अवश्य पूछ लिया जाता है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो पुरुष और महिला में हम अंतर बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो महिला पुरुष में अंतर, महिलाओं का क्या होता है, कद छोटा होता है और जल्द परिपक्व हो जाती है, ठीक है, मतलब उनमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है महिलाओं में। और पुरुष जो है सामान्यतः देर से परिपक्व होते हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा, छोटा कद होता है पुरुषों से, जल्द परिपक्व हो जाती है, अब पुरुष समांतर महिलाओं से देर से परिपक्व होते हैं। अब महिलाओं का कद जो है 18 से 20 वर्ष के बाद बढ़ना रुक जाता है। महिलाओं का कद कितने समय तक बढ़ता है? 18 से 20 वर्ष तक, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट जो हम लोग सरल समझते हैं वही आ जाता है और क्वेश्चन छूट जाता है। तो महिलाओं का कद जो है 18 से 20 वर्ष के बाद बढ़ना रुक जाता है एंड पुरुष जो है 20 से 23 वर्ष तक बढ़ते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिए, महिलाएं जो है 18 से 20 वर्ष तक बढ़ती हैं और पुरुष 20 से 23 वर्ष तक बढ़ती हैं, ठीक है, उसे 3 साल ज़्यादा। एंड महिलाओं की हृदय जो है छोटा होता है, यानी कि 250 से 300 ग्राम तक का होता है। नाड़ी पुरुष की अपेक्षा अधिक तेज चलती है महिलाओं की। एंड पुरुषों का हृदय जो है बड़ा होता है, 300 से 350 ग्राम का होता है, ठीक है। तो प्रकृति ने पता नहीं क्यों महिलाओं को हर फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल रूप से हर एक चीज पुरुषों से कम वजन में, कम इमें बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है, महिलाएं वयस्क होने से पूर्व तेजी से बढ़ती हैं, जैसे कि 14 वर्ष के बाद, जैसे कि वयस्क होने से पूर्व ये तेजी से बढ़ती हैं, जबकि 14 वर्ष के बाद ये धीमी गति हो जाती है, ठीक है। तो वयस्क होने से पूर्व ये बहुत तेज गति से बढ़ती है और ये बाद में 14 वर्ष के बाद धीमी गति हो जाती है। अब पुरुषों में इसका जस्ट उल्टा होता है, ये वयस्क होने से पूर्व धीमी गति से चलती है और 14 से 16 के बाद तेज गति से बढ़ती है, ठीक है, बस जस्ट उल्टा कर लीजिएगा। एंड महिलाओं का शरीर जो है बड़ा होता है, लंबाई में नहीं, लंबाई महिलाओं का शरीर बड़ा होता है, गुरुत्व केंद्र नीचे होता है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का गुरुत्व केंद्र जो है वो नीचे होता है, तो गुरुत्व केंद्र जब नीचे होगा तो कूदने में इनको दिक्कत होता है, और जबकि संतुलन वाली प्रक्रियाओं में, स्पर्धाओं में इनमें सरलता होती है, ये आसानी से कर जाती हैं, जैसे जिम्नास्टिक हो गया, तैराकी हो गया, इन सबमें फायदा होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के सभी टॉपिक्स के बारे में प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि जिसका गुरुत्व केंद्र जितना ही नीचे होगा उसका संतुलन उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर महिलाओं में पुरुषों से नीचे गुरुत्व केंद्र पाया जाता है तो इनमें संतुलन की प्रक्रियाएं, ये संतुलन वाली प्रक्रिया पुरुषों से ज़्यादा बेहतर कर लेंगी, ठीक है। तो महिलाएं जो है जिम्नास्टिक की तैराकी में करने में फायदा होगा, जो संतुलन वाली क्रियाएँ होती हैं, ठीक है। अरे पुरुषों का धड़ जो है बड़ा, टांगे लंबी, गुरुत्व केंद्र महिलाओं के अपेक्षा क्या है, ऊंचा होता है पुरुषों का, ठीक है, इसलिए एक कूद सकते हैं, लेकिन जिम्नास्टिक व संतुलन वाली इस स्पर्धाओं में इनको परेशानी होता है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र ऊंचा होने के कारण एक कूद सकते हैं,
लेकिन संतुलन वाली जो क्रियाएं होती हैं उसको करने में परेशानी होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि महिलाएं जो हैं वो भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जैसे किसी भी चीज का हार जीत का दुख सुख का प्रभाव इन पर ज्यादा समय पड़ता है। बहुत लंबे समय तक ये लिए रहती हैं, उसको याद किए रहती हैं, याद कर करके परेशान रहती हैं। बट पुरुष क्या होता है कि इनमें भावनात्मक कमजोरी कम होता है, ये हार जीत एक बार हुआ कुछ समय के लिए उनमें रहा उसके बाद वो भूल जाते हैं, दुर्घटना का प्रभाव पे कम होता है, फिर नया काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि महिला क्या होती है उसको लिए रहती हैं बहुत समय तक, वो भूल ही नहीं पाती हैं, इसमें ये डिफरेंट है, ठीक है। एंड महिलाएं जो है कंधों कंधे जो है ताकत में कमजोर होती हैं पुरुषों से, ठीक है, और छोटे होते हैं, ठीक। हड्डी जो है हड्डियाँ कार्टिलेज की भी हड्डियाँ जो होती हैं वो जो कार्टिलेज होता है यानी जो उपास्थियाँ होती हैं वो भी कमजोर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। और ये थ्रोइंग लिफ्टिंग जिमनास्टिक में लटकने जैसी स्पर्धा में परेशानी होती है इनको, जैसे थ्रोइंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, जिमनास्टिक हो गया, इन सब में लटकने जैसी स्पर्धा जो भी होता है उसमें इन सबको महिलाओं को परेशानी होती है। जबकि पुरुषों की कंधे जो है चौड़े मजबूत, हड्डियाँ कार्टिलेज जो भी है उपास्थि वगैरह सब कुछ मजबूत होता है। एंड थ्रोइंग हो गया क्योंकि इनके कंधे मजबूत होते हैं, रस्सा हो गया, रस्सा चढ़ने चढ़ने का हो गया, पोल वॉल्ट हो गया, चक्री स्पर्धाएं हो गया, जिमनास्टिक के रोमन रिंग में ये सब अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं पुरुष लोग, ठीक है। तो ये था पुरुष महिला में डिफरेंस, शरीर रचना एवं दैहिक लिंगी अंतर, एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस। तो इसमें से तीन चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसको छोटा टॉपिक मत समझिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि महिलाओं के हृदय का वजन कितना होता है, तो 250 से 300 ग्राम। पुरुषों का कितना होता है, 300 से 350 ग्राम, ठीक है। अब महिलाओं का की वृद्धि शारीरिक वृद्धि कब तक होती है, ठीक है, तो 18 से 20 वर्ष तक, और पुरुषों के 20 से 23 वर्ष तक। एंड महिलाओं का गुरुत्व केंद्र पुरुषों की अपेक्षा कहाँ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व केंद्र नीचे होता है, इसलिए संतुलन वाली क्रियाएं ये जल्दी कर लेती हैं, आसानी होता है। तो इस प्रकार के अवकूदने वाली क्रियाएं पुरुष ज्यादा कर सकते हैं, महिलाएं कम कर सकती हैं, एक डिफरेंशियल बनाया गया है। बट ऐसा नहीं है, किसी भी स्पर्धा में महिला पुरुष इस समय समान रूप से कर रहे हैं, लेकिन हाँ शारीरिक बनावट की दृष्टि से उनको कम या ज्यादा प्रैक्टिस के आधार पर वो अपने चीज को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार एक शरीर रचना एवं दैहिक लिंग के अंदर महिला पुरुष में मैंने बताया, जैसा कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। और जो भी आपके मन में सवाल हो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।